ओके, अभी आईडी का रैंक और टीयर वगैरह देख लो भाई। यहाँ पे रैंक कुछ 2100 के आसपास चल रहा है, 172 का रिक्वायर्ड है, ठीक है। 30 पॉइंट ही भाई जी ने खुद ही प्लस किया है, अब इसके बाद से मेरे को प्लस करना है, ठीक है। तो आइए मैच स्टार्ट करते हैं। सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और भाई आप सभी की रैंक पुशिंग भी अच्छे चल रही होगी, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो में बात करूंगा, सिंपल सी बात है, बंदे आजकल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब भाई टॉप 10 नहीं कर पा रहे हैं और भाई इवेंट पे किल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, और अगर इवेंट पे किल्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाई उसके बाद से हाई प्लस नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। मतलब भाई सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, मेरे से गंदा तो कोई मर नहीं सकता जैसे मैं मरा हूँ। भाई दो भैया जी का नाम देख लो, इनको जो ही गंदी मौत देंगे ना अभी, मजा आ जाएगा आप लोग को। और भैया जी खुद मर गए यहाँ पे, अल्फा अल्फा करके देख लो, मेरे को मारते ही मर गए यहाँ पे। किल फिट तो आपने देख ही लिया, खैर कोई ना, 0 किल में फिनिश हो गया। यहाँ पे प्लेन पास से काफी दूर पे था रोजो को वाला, तो मैं सोचा उधर के जाया जाए, ठीक है। और इधर आने का मकसद बस यही रहता है कि यहाँ से स्टिंग दे अपने को उठाना है, और भाई जितने भी स्टिंग दे उठते हैं ना, अगर अपने बस में रहे तो सारे के सारे उठा लूं। वैसे 2 यहाँ से उठा लेते हैं, 2 आप भी उठा लिया करो, ठीक है। यहाँ पे 3 स्पॉन होते हैं, और ये जो पेटी वगैरह है ना आसपास रहती है, सारी खोल के आपकी अच्छी खासी लूट हो जाएगी। जैसे ऊपर वाले में यहाँ पे देख लो, मेरे को फुल अटैचमेंट के साथ M4 मिल जाता है। और ये ऊपर वाली पेटी थोड़ा सा ध्यान से खोला करो, सावधान हो के, क्योंकि भाई कहीं से बंदे ना एंगल बना के बैठे रहते हैं, और कुछ बंदे तो ऊपर भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर चढ़ जाते हैं, देख लो यहाँ पे M4 मिल गया, अपने को अच्छा खासा लूट मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत लूट करने के बाद, क्योंकि भाई अपना मेन मकसद होता है स्टिंगले उठाना, अब ये लेके ना शांति से उड़ के ऊपर आ जाया करो, ठीक है। यहीं पर कुछ देर होल्ड करो। अब देखो यहाँ पे पानी वानी भर गया, मैं सोचा चल के रिकॉल उठाया जाए, ठीक है। अब किस्मत देखना अपनी यहाँ पे। और भाई ये कुत्ता बंदा, ये देखो रिकॉल उठ गया, कम से कम अपने लिए अच्छी बात ये थी, ना तो भाई यहाँ पे माइनस लग जाता। भाई क्या ही बोला जाए यार, इस बंदे को अगर पा जाता ना, मैं कच्चा चबा के ऐसे इतना गंदी मौत मारता। खैर अगर आप लोग ऐसे मरते ना तो भाई आपको भी गुस्सा ही लगता, ठीक है। अब देखो वापस से आ जाता हूँ यहीं पे, क्योंकि भाई लूट करने जाता कहीं और, तो क्या पता वहाँ पे बंदे वगैरह हों, और यहाँ पे कोई था भी नहीं। अपने को स्टिंग दे भी मिल जाएगा और भाई मेरी लूट भी मिल जाएगी, अपनी पेटी भी आराम से लूट लेंगे, ठीक है। अब भाई जाने से पहले यहाँ पे बूस्ट वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि भाई नीचे जाने पर ना यहाँ पे इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज हेल्थ खाता है, ठीक है। मतलब भाई जितना ज़्यादा गहराई में जाओगे और प्रेशर जो आपके फेफड़े में है उतना ज़्यादा रहता है, तो ये सीन है। तो यहाँ पर डाइव करके नीचे जाया करो, क्योंकि भाई डाइव करके जाओगे तो ना नीचे जाओगे, वहां पे जब तक एकदम से नीचे नहीं पहुंच जाते आपका फेफड़ा सेफ रहेगा, ठीक है। आपका सांस जो है फूलेगा नहीं, ये सब सिस्टम है। देख लो एकदम से नीचे आ जाता हूं, यहां पे स्टिंग रे 1 नहीं 2-2 मिल जाती है अपने को, तो उठा लेता हूं एक इधर से एक पेटी से, ठीक है, 1 बाय 1। बाकी पेटी भी यहां पे आराम से अपनी लूट लेते हैं, और साला अटैचमेंट लेके भाग गया यार मेरी, बट कोई ना, चलो लूट अच्छी खासी अपनी हो गई इधर से। अब देखो लास्ट के सर्कल में एंट्री कर ही रहा होता हूँ। अब उन भैया जी का नाम याद है ना, वो अल्फा उल्फा जो भी थे, जिसने अब जिन्होंने अपने को भाईजन से मारा था। अब देखो नाम पढ़ना आप लोग, ठीक है। उसके पहले स्प्रे देखो, और स्प्रे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। देखो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यही वाला, हाँ ये वाला। और भाई ये नॉक होने वाली बीमारी, मैं क्या ही बोलूँ यार। खैर मैं सोचा जाके फिनिश कर दूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरे बंदे से फाइट कर रहा होता है ना, तो यहीं पे दुखा था। खैर इसने तो अपना किल चोरी कर लिया, बट भाई इसको हमने यहाँ पे चोरी कर लिया। यहाँ पे हमारे यार फाइनली खाता वाता खुल गया, ठीक है, 1 किल हो गया। वैसे ये दोनों वाला स्प्रे, मतलब जो भी दोनों था स्प्रे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, अच्छा लगा ही होगा। अब जो मेरी बची खुची लूट थी, मैं सोचा इनसे लूट के पूरा हो जाएगा, और भाई स्मोक करके ही लूटा करो, ठीक है। और स्मोक ऐसे किया करो जैसे मैंने किया इधर पे, खैर स्मोक करना भी सिखाना पड़ेगा है। चलो अब एंट्री करता हूँ सीधा डेथ सर्कल में। देख लो यहाँ पे ये वाला शेक खाली था, तो मैं सोचा अगर खाली होगा तो आराम से होल्ड कर लेंगे, ठीक है। चलो खाली है तो आराम से होल्ड करते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक बंदा जो है डैमेज दिया पुट पुट करके ना अभी, और भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि बंदा है कहाँ पे स्टार्टिंग में। फिर थोड़ी देर बाद पता चल गया कि ये भैया जी ना हवा में है, ठीक है, उड़ रहे हैं। खैर ऐसे जो उड़ रहे हैं बंदे ना, इनकी आइडिया भी बैन हो रही है,
जो इस ग्लिच का यूज कर रहे हैं, तो भाई आप लोग मत करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं रहा होता हूँ, तभी ये भैया जी पुश कर देते हैं गंदा कहीं का। खैर कोई ना, ये भैया जी लाइव वाले थे, ठीक है। मतलब भाई जो लाइव वाले होते हैं वो कुछ ज़्यादा चुलबाज इंसान होते हैं। खैर कोई ना, इनको फिनिश करके यहाँ पे हमारे 2 किल हो जाते हैं। बाकी भाई क्या ही टाइमिंग थी, पीछे से बंदा मार ही देता। वेट कर रहा था कि जो ये यहाँ पे पानी फेंका है ख़त्म हो जाए, तब मैं अंदर चलूँ। खैर अंदर आके आराम से हील कर लेता हूँ। भाई लाइव वाले भैया जी को जो मारा हूँ ना, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार ये जो बंदा है, जो ही डैमेज दे रहा है ना, मुझे बहुत गुस्सा लग रहा था। मिल जाए तो बहुत ही खतरनाक मारूं। ओके, अब ये वाला स्प्रे देखना आप लोग। और हाँ, सर्कल अपने पे फिर से था, टॉप 10 नहीं हुआ था, तो आराम से होल्ड करते हैं, ठीक है। यहीं पे होल्ड करेगा, टॉप 10 हो जाएगा। चलो ऐसे नहीं करने का भाई जी। हेलो, जो भी थे प्रो भैया, नाम तो प्रो रखे हो, लेकिन ऐसे हरकतें नहीं करने का। ओपन में आके ऐसे स्प्रे करो। खैर यहाँ पे 3 किल हो जाते हैं अपने। अब भाई देख ही रहा था कहीं से और कक्षू बंदा मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना, किल मिल जाए। अब ये वाला स्प्रे देखना। अरे ये नहीं यार, ये तो एंगल में नहीं आया ठीक से, नहीं तो तार ही देता इसको भी। मतलब भाई लास्ट के सर्कल में जब पोजीशन मिल जाए ना, तो शांति से होल्ड करो, किल्स आपको ढेर सारे मिल ही जाएंगे, जैसे यहाँ पे देख लो मेरे साथ हुआ। चलो ये वाला कार स्प्रे कैसा लगा कमेंट में बता दो। चलो 4 किल हो गए अपने इजली। बाकी सर्कल अपने पे भी नहीं था। अब ये वाला टैप टैप देखो, ठीक है, ये वाला टैप टैप देखो। अब चलो ये वाला भी अच्छा लगा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलूँ भाई, ये नॉक होने वाली बीमारी, गुस्सा लगता है कभी कभी। और जाते जाते देखो यहाँ पे सीट एक्सचेंज करके मारता ना, तो किल मिल जाता, ठीक है। मैं सोचा पहुँच के ही मारूँ, और भाई ये किल चोरी हो जाता है। अब देखो टॉप 10 अपना हो गया था, अपने को चाहिए था किल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ इधर उधर कर रहा होता हूँ। बाकी भाई जोन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो। अब भाई ये वाले घर पे ना हल्का सा भाई देख लो यार, 5-6 मीटर आगे जोन था। अगर थोड़ा सा 5-6 मीटर पहले होता ना, तो मजा आ जाता कि अब तो यहीं से अपना चिकन हो जाता यार। जाना पड़ता इधर से। अब देखो भाई डीबीएस था इसके पास, बट कोई ना मार लिए, मार लिए, ठीक है। बाकी जो मैं कर रहा हूं, जैसे खेल रहा हूं भाई, 0 किल पे फिनिश हो, क्या बोल दूँ, हाँ अगर 0 किल पे फिनिश हो जाते हो, तो भाई यही सब किया करो, ठीक है, आराम से होल्ड करो। और लास्ट के सर्कल में अगर पोजीशन मिल गया, तो भाई आपको अच्छे खासे किल मिल ही जाएंगे। देख लो यहाँ पे 0 से 5 किल हो गए, बोर्ड का भी किल नहीं मिला अपने को। तो भाई ऐसे ही खेला करो, ठीक है। और भाई किल नहीं भी मिलते, तो भी यार टॉप 10 करने पर आपको अच्छे खासे 15-20 के प्लस मिल जाते हैं। मतलब भाई 12-15 का भी प्लस मिल गया, तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 10 का भी प्लस मिला तो भी अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मुझे भाई यार जोन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन बट यहाँ पे अपन ने कुछ अलग ही कांड कर बैठे। अब इसको हेडशॉट तो दिया, बट उससे कुछ नहीं हुआ, पेटी अपनी बन गई, ठीक है। इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए था यार। बाय द वे यहाँ पे सेल्फ रिवाइव था, ठीक है, उस बंदे को किल नहीं मिला, यहाँ पे रिवाइव हो जाता हूँ, जोन से मर जाता हूँ।
बाकी यार प्लस भी देख लो कितना मिला, 19 का प्लस कम नहीं होता, ठीक है 19 का प्लस बहुत होता है, तो इस हिसाब से खेलो और आपको अच्छा खासा प्लस मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।